this song and to picturize herself, direct herself, it's a very good beginning. God bless her, and I hope and pray that she succeeds in this line. She has done a very wonderful job. She looked good, she danced well, and she directed the whole music video very well. God bless her. देखिए, मुझे म्यूज़िक की इतनी ज़्यादा समझ है नहीं, पर गाना कानों को अच्छा लगा है, कोरियोग्राफ अच्छा किया गया है, कृष्णा जी ने काम अच्छा किया है, जो साथ में आर्टिस्ट था उसने भी काम अच्छा किया है, सेट भी अच्छा था, और जो दूसरे गाने का टीज़र है वो भी अच्छा लगा है, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लुक। मेरी बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ये सक्सेसफुल रहें, इनका काम सबको पसंद आए, इनके साथ जितनी टीम है उन सबको सक्सेस मिले, एंड गुड लक टू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस। क्या बात है। तो मतलब मेरे किया कर रहे पे पानी डाल दिया। ऐसा नहीं है, बट ही इज माय फादर। मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने बोला है, देखिए इनके फादर मेरे दोस्त हैं, तो ये उस चीज का फायदा भी उठा लेती है। हां सम टाइम्स। या कितने जल्द आपकी फिल्मों में हम देखने मिलेगा? सुन जल्दी। अरे बहुत इम्पोर्टेंट आदमी, फोकस में ये रहना चाहिए, हम आए ना आए चलेगा। सर की पहली फिल्म से मैं दोस्त हूँ। बोनी जी एक वर्ड तो बोलो, ब्राइट आपने सब फिल्म किया मैंने। ब्राइट जिंदाबाद। ब्राइट से ब्राइटनेस आती फिल्म इंडस्ट्री को, और ब्राइट अभी इन गाने को भी ब्राइट करेगी। यस सर, करोगे ना? यस यस यू आर, करेगा ना? 100% करने वाला ऑलरेडी ऑडियंस दिया है। ऑडियंस लेनी चाहिए जितने भी है। अच्छा सर, 24 सितंबर को अपना बर्थडे पार्टी देख लीजिए। इधर हमेशा गिव एंड टेक चलता है। मैं करता हूं। ओके, गुड नाइट। दर्शन सर, दर्शन सर आइए। बदुआ सॉन्ग जब मैंने सुना था, स्क्रैच सुना था, सो आई थिंक दे वर प्लानिंग सम अदर सिंगर, बट व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस स्क्रैच में, आई टोल्ड हिम स्ट्रिक्टली कि मुझे यही आवाज़ चाहिए और कोई आवाज़ ही नहीं चाहिए। ही हैज़ यू नो वो मिरेकल आवाज़ में है, बहुत अमेजिंग वॉइस है इनके, एंड देन जर्नी स्टार्टेड, दैट्स इट। वी मेड द सॉन्ग, वी प्लान शूट, आई डायरेक्टेड द सॉन्ग, आई प्रोड्यूस्ड इट, गाना इन्होंने प्रोड्यूस किया, वीडियो मैंने प्रोड्यूस किया। So that's how we collaborated basically. And Pawan ji ki lyrics kafi amazing. Haan. Kuch agar and yeah, he the guy, he is just 21 years old, and it's amazing that the way he has written the song, it's unbelievable. It's amazing. Bahut acha likha hai unhone. God bless him. And whose idea was it to you will feature and you will direct the song, and kitna difficult tha aapke liye? कितना चैलेंजिंग था कि डायरेक्ट भी करना है, एक्ट भी करना है? आई थिंक मैंने इसके लिए बहुत सारे ऑडिशंस लिए थे, और लास्ट मोमेंट तक बहुत सारे एक्टर्स को मुझे रिप्लेस करना पड़ा। एंड मोमेंट पे आई डिसाइडेड कि ओके, आई एम डूइंग इट, एंड आई वाज नॉट फाइंडिंग अ गुड एक्टर, मेल एक्टर, तो मुकेश छाबरा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, so I just went to him and I told him ki see, I'm not able to find anybody, you have to give me somebody. So Sahil ki casting Mukesh ne ki hai. And how was your experience working with him, with Sahil? He is very cooperative, he's very good guy, very cooperative, very hard working. Koi tantrum throw nahi kiya set pe, halanki it's a new label, it's new music label, he trusted
us and he trusted my direction. However, whatever I did, he followed it. So I'm thankful to him as well. योगेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? गाना आपने देखा, कैसा लगा आपको? और थोड़ा सा बताइए कैसी परफॉर्मेंस लगी? बहुत ही ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक गाना और अच्छा परफॉर्मेंस है, और मैं तो देख के बहुत खुश हो गया। और मेरे दोस्त थे कदम भाई, जिन्होंने मुझे मैडम से इंट्रोड्यूस किया, और मैडम के अंदर जो मैंने कॉन्फिडेंट देखा, मैडम स्पेशली मतलब ब्यूटी विद ब्रेन है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, और हर एक लाखों फिल्म और लाखों गाने और एल्बम के जैसे इसमें भी ब्राइट आउटडोर पार्टनर है, मुझे खुशी है। और अभी तक मैंने लोगों के से दुआ ही मांगी थी, आज बद्दुआ देखने के बाद लगा कि बद्दुआ जैसी कोई चीज़ भी अच्छी बन सकती है। और कोई कोलैबोरेशन हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आप उस बारे में? श्योर श्योर श्योर, ओपन है। बहुत जल्दी आप लोग एक फिल्म देखेंगे जिसको मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ, उस फिल्म का नाम है ए जिंदगी गले लगा ले, और वो बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है, और उसको मैं खुद प्रोड्यूस भी कर रही हूँ और डायरेक्ट भी कर रही हूँ, एक्ट भी कर रही हूँ। बद्दुआ हमेशा बुरा नहीं होता है, बद्दुआ अच्छा भी होता है। एक कोट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ बेसिकली, तो जब इंसान, जब ईश्वर को किसी से बहुत बदला लेना होता है ना, रिवेंज लेना होता है, तो उसको बहुत सारा पैसा दे देता है। तो वो भी बद्दुआ ही है। शिवम, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ बताएं आपने कैसे कोलैबोरेशन हुआ कृष्णा जी के साथ, और जैसा ऐसी बद्दुआ हमको मिलते हैं? मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। जब मैं मतलब मेरी कास्टिंग करी गई थी, तो मैं कृष्णा से मेरी बात हुई थी, तो जब तक उन्होंने बहुत से कास्टिंग करी और मतलब उनके पास बहुत सारे एक्टर्स थे, बट जब मैं मिला था उनसे, तो एट लास्ट जब मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे साथ मतलब फाइनल करा है अपना प्रोजेक्ट, तो मुझे एक तो जब मैंने पहली मीटिंग में उनसे मिला था, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि वो बहुत प्रोफेशनल, मतलब वो प्रोफेशनल है बहुत अपने काम को लेकर, तो वही चीज़ मैंने सेट पर भी महसूस करी, और बहुत एक अच्छा मास्टरपीस निकल के आया। तो आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप सब देखें उसको जब वो लॉन्च हो। थैंक यू सो मच। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सॉन्ग देखने के बाद जेन्युइन रिव्यूज दें उस पर, जेन्युइन रिव्यूज दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि ठीक है मतलब वी हैव मेड सम एफर्ट तो ओके तारीफ करनी है। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सॉन्ग देखे उस पर एक जेन्युइन रिव्यू जरूर दें कि कैसा किया है हमने। आपको मैं एक शॉकिंग अगर कुछ बताऊंगी, तो बेसिकली फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रही थी, और टेक्निकल टीम के साथ जो मुझे मैनेज करना पड़ा, वो मेरे लिए सबसे टफ था, क्योंकि हमारा हाफ डे का फुटेज डिलीट हो चुका था, हमें रीशूट करना पड़ा। सो वो एज अ न्यू प्रोड्यूसर आई लर्न मैनी थिंग्स ऑन द सेट, मैनी 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 थिंग्स कि यू नो व्हाट वी शुड डू व्हाट वी शुड नॉट डू। तो मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी नए प्रोड्यूसर्स को कि फंड्स उतना ही लगता है, इन्वेस्टमेंट उतना ही लगता है, लोग पैसे बचाने के चक्कर में यू नो एवरेज लोगों को भी ले लेते हैं टेक्नीशियन, बट अगर उतना ही लगता है तो आप अच्छे टेक्नीशियंस को लें, अच्छे से काम करें, और एटलीस्ट ये हेडेक नहीं होगा, क्योंकि हाफ डे का फुटेज डिलीट होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो इवन आफ्टर बेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, वी मैनेज्ड टू एडिट द सॉन्ग, टू कंप्लीट द सॉन्ग and to release the song. सच्ची, और ये साहिल के जब भी टेक होता था, आप कहते कि ये सही नहीं किया, आपकी गलती होती तो कैसे आप देखते थे गलती की कि नहीं कि आपने टेक? सॉरी आई डिडंट, मतलब आपका जो टेक होगा आप देखते होंगे आपस मॉनिटर में, लगा कि रीशूट करूं या कुछ करें या रीटेक करें? नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और हम लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सेट पे। ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, एंड मुझे लगता है कि यू नो मैंने आज तक रीटेक्स नहीं दिया है,
मैंने जो पहले भी काम किया है मेरा एक टेक में शॉट हो जाता है बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर को या सामने वाले को क्या चाहिए, तो उस स्किन में मैं बहुत जल्दी घुस जाती हूँ. तो हम दोनों की वजह से सेट पे कोई इशू नहीं हुआ है. अमित जी, सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए, थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में, दो लाइनें हो जाए अगर आपकी आवाज़. गाना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मैंने दो गाने किए कृष्णा के साथ और थैंकफुली मैं गा रहा हूँ इस बार, अदरवाइज मैं कंपोज ही करता हूँ नहीं तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ. और ऐसे टाइप का गाना नॉर्मली कोई मांगता भी नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं मांगे, तो आई एम लकी कि मुझे मेरा एक यू नो मेरा क्रिएटिविटी दिखाने का मेरे को मौका मिला. एंड ग्लैड बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला है, बहुत अच्छा शूट हुआ, दोनों वीडियो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, दोनों बहुत भाई कमाल लग रहे हैं, बहुत अच्छा लोकेशन पर शूट किया है और ग्लैड की गाना हो गया अभी. और दो गाने बेसिकली दो लाइन सिर्फ ये दो गाने नहीं है, एक और इनका मास्टरपीस है जिसको हम रिवील नहीं कर रहे हैं अभी. हाँ, काफी कुछ एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग साथ. हाँ, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं साथ में, लेकिन जो बेस्ट सॉन्ग है वो ये टू कम. करेक्ट. तो दो लाइन दो लाइन सुन ले तू बेवफा, वफाओं का क्या सिला दिया, दुआएं तेरे नाम से सबकी, तूने तो मुझे बद्दुआ दिया. हुआ क्यों ना तेरे काबिल, तेरे बिन ना होगी कामिल, क्या क्या किए तेरे खातिर के हो ना हम जुदा, तुझे तो मैं मान.